गुड मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग वॉक करके आ चुके हैं और रोज का जो डेली वर्क होता है वो शुरू हो चुका है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में बनेगा ये, मतलब जो बीट रूट होता है उससे कुछ बनेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका मैं क्या बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको छील लूंगी, इसको काट लूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एन अन्नपूर्णा। कैसे हैं आप लोग? एक और नया दिन और एक और नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। और दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। वेदिका इधर झाड़ू लगा रही है, ऊपर वो अपना झाड़ू कर रहे हैं, मेडल साफ कर रहा हूं मैं। अपने मेडल जो उन्होंने कमाए हैं, ये तालियां। वेदिका क्या बोल रही है? मम्मी फ्री हो गई और हमें काम दे दिया। तो मैं इधर देखिए सबके लिए खाना बना रही हूँ, तब तक उधर सफाई हो रही है। और ये खिड़की को भी हमने पेंट किया है। ये जो खिड़की है पूरा पेंट हुआ है व्हाइट कलर से। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? व्हाइट वॉश करने में पोचारा कर रहे हैं। तो बीट रूट को मैंने छील लिया है, अब इनको कट करके मिक्सी में पीस दूंगी। एक दो हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। तो ये मैंने बीट रूट को पीस लिया है, ये देखिए पूरा फाइन पीस लिया है। ये है आटा और मैं इसका बनाऊंगी पूड़ी। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ ये अजवाइन है, इसको मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं। नमक और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा रिफाइन डाल देंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइन, बस। तो मैंने पीसा था उसके साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी गूंथ देंगे, सान देंगे। और ये देखिए मैंने आटा को गूंथ दिया है और इसको रख दूंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, कम से कम 10 मिनट। तो इसको ढक देते हैं। बीट रूट की पूड़ी के साथ मैं बनाने वाली हूँ ये आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। प्याज देखिए ये पतली पतली, ये सब्जी मैं बनाऊंगी बिल्कुल पतली पतली। मैंने काट लिया भुजिया टाइप में, आलू को काट लिया है, ये भुजिया टाइप में पूरा आलू को मैंने काट लिया है। और शिमला मिर्च को भी भुजिया जैसा काट लिया है। प्याज लिया है मैंने और ढेर सारी मिर्ची। ये मिर्ची एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल तीखी नहीं है, पता नहीं कैसी, बिल्कुल तीखी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको बिल्कुल साग जैसी है, बिल्कुल तीखी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ख़त्म करके दूसरी मिर्ची ले आऊँगी। तो ये बहुत सारी आ गई भी है तो मैं ढेर सारा ही डाल देती हूँ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है सब्ज़ी में डाल दो तो। और प्याज है तो इसकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। कढ़ाई गर्म हो रही है तो मेरा नाश्ता बन रहा है। और दिवाली भी आने वाली है, उससे पहले करवा चौथ आने वाला है। तो करवा चौथ में पूरा मार्केट बहुत अच्छे से सज जाता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं आपको ले चलूँगी हमारे यहाँ का जो छोटा मोटा मार्केट लगता है वो मार्केट घुमाने के लिए। क्योंकि करवा चौथ में चूड़ियों का मतलब कोने कोने पे हर जगह मेहंदी लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ पे करवा चौथ होती नहीं है तो इसलिए मैं जाके मार्केट में घूम के आप लोग को दिखाओगे कि लोग कैसे कैसे तैयार होते, कितनी सभी बहुत अच्छे से करवा चौथ का तैयारी कर रहे हैं। मार्केट में पूरा भीड़ है। आज मैं आप लोग को मार्केट लेके चलती हूँ। और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली भी ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ साथ में मैं घर की सफाई करने शुरू कर दी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि घर में सफाई वफाई शुरू हो गई है। और धीरे धीरे अभी तो थोड़ा टाइम है तो एक एक करके सारा चीज़ साफ करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका था तो मैं इसमें आलू और शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब इसको हल्का हल्का फ्राई करके फिर सारे मसाले डाल दूंगी मैं। तो ऊपर इनका पेंटिंग का भी काम लगता है ख़त्म हो गया है तो मैं जा रही हूँ देखती हूँ कि और क्या क्या और क्या हो रहा है। वेदिका वेदिका भी उठ चुकी है और ऊपर की सफाई शुरू हो गई है। चप्पल पहन के जाना है, कील है। ये मग मैं लेती आई, अब हम इसकी सफाई कर देते हैं। तो पेंटिंग का काम जो मोटा मोटी हो गया है जैसे तैसे। अच्छा तो आप लोग बैठ जाइए यहाँ पे। हो गया, देखते थे क्या? बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया है। तो बढ़िया हो गया है पेंटिंग का काम। एक फुट और लगेगा। अच्छा एक फुट और लगाना पड़ेगा। मम्मी अब मेरे फ्रेंड चोटी बना रही। कैसी चोटी बनानी है दिखाओ पहले तो। अच्छा वेदिका को 12 बजे जाना है, मेरे को 1 बजे जाना। ओके वेदिका की चोटी है और ये ऊपर से पेंटिंग करके आ गए, इनकी दशा देखिए क्या हाल हो गया। अपने से पेंटिंग करने में खुशी मिलती है। ₹1000 काम, मैंने ₹200 में सिमटा लिया, ₹800 बचा लिया। मैं बोली थी कि पेंटर बुला लेते फिर कर लेंगे ऊपर का, ऊपर ऊपर का ही कर लेंगे। अपने से जो काम ज्यादा काम है घर कराओगे तब तो पेंटर। ये तो थकान भी होती है ना, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। उतना मजा आता है ना वेदिका।
तो ऊपर हमने पूरी रूम की सफाई कर दी है, छत की सफाई होगी। मैंने बोला था हाँ। कि मेरा फ्रेश चोटी बना दे क्योंकि मैं शाम को चार के घर जा रही। अच्छा, और नीचे नाश्ता भी रेडी हो चुका है। फीलिंग आती है, सब काम करा लो तो फिर मजा नहीं आता। मजा नहीं आता है, बट एक 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 वो है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठीक। घर में कराऊंगी तब तो अच्छा से ना जरूरत है। ऊपर क्या, दीवार खाली साफ हो जाना चाहिए। हाँ, साफ हो जाना चाहिए। एक्चुअली ऊपर हम लोग छठ पूजा करेंगे तो हमेशा तो नहीं, मगर इस बार सोचे कि दीवार को अच्छे से साफ सुथरा पेंट कर देते हैं, तो छठ पूजा करने में थोड़ा सा एक दीवार लगने के लिए मिस्त्री को बुलाओ, काम हाँ। को 2000 लूंगा, ये नाटक लूंगा, वो नाटक, ये नाटक, रंग लाए थे, रंग दिया, हो गया, हो गया काम खत्म। 2 लीटर अभी अभी उसमें और लग गया। हाँ, दीवार वाले कल कर देंगे। अच्छा, 40 रुपए का पैकेट आता है डिस्टेम्बर का, 2 पैकेट वो हो गया, 2 पैकेट और लूंगा, 120 रुपए मेरा काम हो गया। काम हो गया तो चलिए कोई नहीं, वो काम तो हो गया। छठ पूजा भी हम लोग उस पर करेंगे तो पूरे अच्छा अच्छा वीडियो में भी अच्छा अच्छा दीवार आएगा। नाश्ता भी मैंने रेडी कर दिया है, अब मैं पूड़िया तलूंगी। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि छत वत की सफाई हो गई, पूड़िया मैं आके तल दूंगी। तो सुबह से उठ के हमने काफ़ी सारे काम कर लिए। सबसे पहले हम लोग वॉक करने गए थे, उसके बाद अपना जो रेगुलर करते हैं ड्रिंक व्रिंक वो ले लिए थे, और उसके बाद हम लोग छत पे, ये छत पे चले गए थे, अपना पेंटिंग का काम शुरू कर दिए थे। मैंने नीचे नाश्ता वास्ता रेडी कर दिया था, अभी सारा काम हो चुका है। अब मैं नहाने जाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ते में तो आप सभी को पता ही है कि मैंने क्या बनाया है। तो ये देखिए, ये मेरा बीट रूट का पूड़ी बनना तैयार हो गया है। एक पूड़ी मैं निकाल रही हूँ, ये धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको निकालिए। और ये तो आपको बैठना पड़ेगा तब मैं इसको बेल पाऊंगी। तो मैं प्लेट लगा रही हूँ, तो आप देखते रहिए। तो वेदिका जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको। अच्छा है, तो तुम कितना पूरी खाओगी? एक, टू। बाबू कितना पूरी खाएगा? मैं 20 पूरी खाऊंगा। ओके, देखते हैं 20 पूरी। ठीक है, नहीं 4 पूरी खाएगा, ये झूठ बोल रहा है। तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट, यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुके हैं, है ना वेदिका? Yes! और वेदिका भी नहा चुकी है और हम लोग सबको ही बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए हैं। और शाम को ले चलूंगी मैं आपको मार्केट दिखाऊंगी। और कोई भी पर्व आ जाए, दिवाली हो, कुछ भी हो, करवा चौथ हो, पूरा बाजार इतना इतना सुंदर सज जाता है ना कि बाजार घूमने में ही मन लगता है। तो चलिए मैं आज आप लोग करवा चौथ पे जो हमारा बाजार सजा है वो दिखाती हूँ। और इवन दिवाली भी पास ही है तो लोग सोच रहे हैं कि करवा चौथ की शॉपिंग या दिवाली की शॉपिंग तो साथ नहीं कर देंगे। और देखिए जगह जगह पर मेहंदी लगाने के लिए ग्रुप बैठ गई है, लड़कियां बैठ जाती हैं और सभी अब तो लगभग सब लोग कर रहे हैं, तो सभी मेहंदी लगाने पर बहुत भीड़ हो जाती है और हम लोग देख देख के मजा करते हैं। और ये वाले सारे कांच हैं? हाँ जी मैम, सारे कांच। और कैसे है ये? इस पे लिखा हुआ है मैम 130। अच्छा, 230। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलेक्शन है। वो मेटल है मैडम, ये कांच है, रेट तो अंतर जाएगा ना। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छा चूड़ी का कलेक्शन आ चुका है करवा चौथ पे। वैसे मुझे भी छठ पूजा के लिए कुछ तो लेना है, तो देखती हूँ कुछ पसंद आता है तो मैं भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे चलते चलते हमें पटाखे भी दिख गए हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। वही है, गन है ये। अभी से गंदा शुरू कर देगा। हाँ, दिवाली पे लेंगे पटाखे, ले रहे थे दिवाली पे लेंगे तो दिवाली के दिन गंदा होगा, अगर आप ले लेंगे तो अभी से घर गंदा करना शुरू कर देंगे, बजाना शुरू कर देंगे। और चारों तरफ उधर भी मेहंदी लग रहा है, उधर भी मेहंदी लग रहा है,
आप जिधर देखेंगे करवा चौथ के लिए चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी लग रही है, चूड़ियों का दुकान है, बहुत ही खूबसूरत बाजार सज चुका है ये देखिए मेरे ऊपर। देखा आप लोगों ने तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ का मार्केट छोटा सा मार्केट है और बहुत ही अच्छा सज जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्केट लगते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े मार्केट लगते हैं, मगर यहाँ का मार्केट यही था जो मैंने आपको घुमा दिया। अच्छा लगता है यहाँ पे भी, तो देखिए कितना क्राउड था, सब लेडीज़ कितनी मेहंदी लगा रही थी, शौक अपने पूरे करती हैं, पूरे साल का जितना भी शौक बचा रहता है वो सारा कुछ करवा चौथ पे अपना पूरा करती हैं और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करूँगी और फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मैं चलती हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स बनाती रहती हूँ अब और अपना जो भी है वहाँ पे बातें शेयर करती रहती हूँ। लाइव भी आती हूँ तो हम लोग वहाँ पे लाइव में भी बातें कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है इंस्टाग्राम पे। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय।